नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कशन अपन कर रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में अल्फा उत्सर्जन के बारे में अपन ने पढ़ा था। यूनिट को आगे मूव करवाते हैं। अल्फा के बाद बीटा आने वाला है। जब बचपन में आप पढ़ा करते थे तो आपको एक ट्रिक से टीचर्स याद करवाया करते थे। मैं भी वो ट्रिक बता देता हूँ। पार्टिकल कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा, आप भूलो नहीं। तो टीचर्स आपको कहते थे अल्फा को बेटो गामा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, अल्फा को बेटो गामा, ठीक है। ये एक थोड़ा मारवाड़ी लैंग्वेज है, ठीक है ना। इस ट्रिक से याद करवाते थे अल्फा को बेटो गामा। मींस कोई भी न्यूक्लियस यदि आपके पास प्रेजेंट है, मींस अपन मान लेते हैं एक्स अपने पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इससे जो पार्टिकल इमिटेड हो रहे थे, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा, इसके बारे में कंप्लीटली स्टडी कर ली अपन ने। अब यहाँ वो मकसद नहीं है मैं आपको थ्योरी बताऊं, नहीं जी, इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ते हुए अपन चलेंगे लेवल टू ग्रेजुएशन, ठीक है। तो याद रखने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्फा को बेटो गामा, और मैटर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। नोट्स अच्छे से आप लीजिएगा, हैंड राइटिंग नोट्स हैं पूरे, और उनको पढ़िएगा, क्योंकि अपन की अपनी जो स्क्रीन है इस पर पूरा लैंग्वेज लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस पर्पस से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए, आपके हित के लिए प्रोवाइड करवाए गए, क्योंकि कभी ऐसा जब हमने शुरू किया था आपके साथ यूट्यूब पे, तो हमने आपको नोट्स नहीं दिए थे, तो आप ही के कमेंट थे कि सर हमें नोट्स भी प्रोवाइड करवाओ। तो नोट्स के लिए ना जाने आपके लिए कहां कहां भटके थे, उसके बाद आप तक ये नोट्स पहुंचे हैं, तो आप थोड़ा इनका केयर भी कीजिएगा। नोट्स आप डाउनलोड कीजिएगा और उनको फटिएगा। जब आप डाउनलोड करके पढ़ते हो तब हमारी जो की गई मेहनत है, अब देखिए ऑनलाइन तो एक छोटी, मतलब कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आधे घंटे में क्लास होगी, नहीं, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आधे घंटे की क्लास के लिए आधा घंटा निकल जाता है, ठीक है ना। तो उस पर्पज से जो हम इधर उधर से जहां से भी हमसे आपके लिए हो सका नोट्स हम आपके लिए लेके आए थे। आप डाउनलोड करो उनको, जब आप पढ़ लोगे तब हमें खुशी मिल जाएगी कि हमारी की गई मेहनत बच्चे के काम आई, आपके अच्छे नंबर आए, यही मैं दुआ करता हूं। लेकिन दुआ से काम नहीं होता, साथ में मेहनत भी जरूरी होती है, तो मेहनत भी साथ करते चलिएगा और दुआ गॉड की रखिएगा, भगवान सबको अच्छा रखेगा। इतने बुरे वक्त में अपने को अच्छा रखा है, आगे भी अच्छा रखेगा। आज की क्लास में टैग आपको मिला है बीटा उत्सर्जन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अल्फा हो चुका, उसके बाद बीटा का ही नंबर आता है, ठीक है। चलिए, जब बीटा उत्सर्जन का अपन अध्ययन करेंगे, मैं हेडिंग लगाता हूं ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है, अदरवाइज रामायण सी चल रही होगी, कोई कठपुतली नाच रही होगी, ठीक है ना, ऐसे आपको लगेगा। मीन्स बीटा उत्सर्जन। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे, बीटा इमिशन, एकदम आराम से और धीरे से, क्लास थोड़ा छोटा होगा, टॉपिक थोड़ा छोटा है, ठीक है, अलग से पढ़ना अपनी पॉसिबिलिटी रहती है। समझिए आप थोड़ा सा कि अपने पास कोई रिएक्शन है, मैं रिएक्शन वही लेता हूं जो आपकी बुक्स में डिनोट की जाती है। एक्स अपने पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को लिखना आपको सिखाया था जेड एक्स ए, इस वे से अपन किसी न्यूक्लियस को राइट करते हैं, दैट्स ओके, दैट मीन्स हेयर एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर। होता है क्या, मैं बता दूं आपको, जब भी कोई पार्टिकल निकलता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस अपने पास में प्रेजेंट होता है, उस पेरेंट न्यूक्लियस में से एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में कुछ चेंजमेंट हो जाता है। उत्सर्जन का मीनिंग यही है, मींस जो पेरेंट में आपको वैल्यू दी गई है उसमें कुछ चेंजमेंट आप कर दो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है चेंजमेंट ना हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ चेंजमेंट हो जाता है जब अपन अल्फा बीटा गामा का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ोगे सबसे लास्ट वाले यूनिट में बहुत मजा आएगा, क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। आप भी कहोगे इतने पार्टिकल ना दिखो, दिखते तो नहीं है अपने को, नहीं दिखते, ठीक है ना, अपनी आंखों की एक फिक्स्ड रेंज होती है, उससे नीचे अपने को नहीं दिखाई देता है, ठीक है, अपने को तो जब ये रेडिएशन आ रहा होता है वो भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलिए, वो बातें अलग है, उनमें अपन उलझ जाएंगे तो अपन टॉपिक मिस कर देंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। अपने पास ये कोई पेरेंट न्यूक्लियस था, ठीक है,
और जब भी कोई पिताजी होता है तो उसके संतान पैदा होती है, ठीक है ना, ये स्वाभाविक है, तभी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ती है। मीन्स जब इस पेरेंट है तो पेरेंट के बाद इसका कोई डॉटर भी आएगा। देखिए अपन यहाँ डॉटर बोलते हैं, सन नहीं बोलते, देख लो आप किसका जमाना है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपन पेरेंट से डॉटर बना रहे हैं, तो जमाना किसका है, सन का नहीं है, पूरा का पूरा डॉटर का है। डॉटर मैंने मान ली, मैंने बना दी डॉटर कि वाई वाई डैश नहीं वाई ए ए डैश, मैंने कोई डॉटर बनाई और मैं कह रहा हूं जब मैं बनाऊंगा तो कुछ निकलेगा, मीन्स यहां पर पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी भी निकलेगी। ये लो मैं मान लेता हूं कि एनर्जी क्या निकल गई। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, बीटा उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। अब बीटा उत्सर्जन कैसा होगा, मीन्स यहां पर जो निकलने वाला पार्टिकल है वो यदि बीटा उत्सर्जन को शो करता है, समझना बात को, बीटा उत्सर्जन को शो करता है तो इस रिएक्शन को अपन बीटा उत्सर्जन की रिएक्शन बोलेंगे। जो पार्टिकल इमिट हो गया उसको बीटा पार्टिकल बोल देंगे, प्रोसेस को कह देंगे दिस इज द बीटा इमिशन, ठीक है। अब बात ये आगे कि ये निकलेगा कैसे, अब सुनिए कहानी। जो बीटा पार्टिकल है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है, फर्स्ट बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है, नंबर सेकंड बीटा माइनस पार्टिकल, नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या हिंदी में यदि आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन ये आ गया कि यहां से इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कैसा चेंज हो, तब तो हम उसको बीटा प्लस बोले या बीटा माइनस बोले या इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोले। अब देखिएगा अपन साथ साथ पढ़ने वाले हैं, एक तरफ अपन बीटा प्लस लेके चलेंगे, एक तरफ अपन बीटा माइनस लेके चलेंगे, स्क्रीन फुल हो जाएगी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर आ जाएगा। अच्छे से समझिएगा भली भांति हर एक कंटेंट। अब तक थोड़ा अपन ने थ्योरी डिस्कशन किया है और थ्योरेटिकल पार्ट समझना ही पड़ता है अपने को, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कोई भी डेरिवेशन हो कोई भी रिएक्शन हो वो सारी थ्योरी से होती है। समटाइम्स वेट, क्लास को अंत तक अटेंड कर लो, मैं जल्दी नहीं करता, मैं आता और बोल देता राम राम खाता सीता गाना गाती, ये हो गया जी, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता। हाँ रट सकते थे आप लेकिन समझ नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। चलिए फर्स्ट अपन बात करेंगे बीटा माइनस उत्सर्जन, ठीक है, इस तरफ अपन ले लेते हैं बीटा प्लस उत्सर्जन, अब थोड़ी सी इनकी कहानियां सुनिए, बचपन में जैसे दादी नानी सुनाती थी। देखिए जब बीटा माइनस यहां से उत्सर्जन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के बेसिस से अपन डिस्कशन इसका करेंगे, मीन्स बीटा माइनस जब उत्सर्जित होगा तो आपको -1e0 पार्टिकल उत्सर्जित होता हुआ दिखाई देगा। ओके, जब आप बीटा प्लस का डिस्कशन करोगे तो बीटा प्लस में आपको +1e0 पार्टिकल उत्सर्जित होता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोलने में छोटी बात लग रही होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस ये रखेगी, इतना ही ध्यान रखिए, कभी गलती नहीं करोगे। बिट्टा माइनस उत्सर्जन हो रहा है तो -1e0, ओके, प्लस हो रहा है तो +1e0, ओके, रिएक्शन कैसे होती है अब वो समझिएगा। अपन इमेजिन करके चलते हैं कि अपने पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है, पेरेंट से ही अपने को डॉटर बनाना है, तो देखिए पेरेंट न्यूक्लियस जेड एक्स ए। अब ऐसे मत कहना सर ये आपने रट रखा है क्या, भैया आपकी बुक वाले ने ले रखा, मैं क्या करूं, मैं तो आपके और बुक के बीच सामंजस्य बैठाता हूं और काम भी क्या है हमारा, ठीक है। चलिए जेड एक्स ए पार्टिकल, देखिए मैंने बी इक्वेशन लिखी थी, मैं वापस लिख देता हूं, जेड हमने चेंज किया था वाई, और मैंने कहा था कि यहां कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ओके डियर,
यदि पार्टिकल यहां प्रेजेंट है तो यहां थोड़ी एनर्जी ई निकल रही होती है। अब अपन इसी पार्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं बीटा, ये पार्टिकल कौन सा होता, बीटा माइनस होता। यदि बीटा माइनस होता तो कैसा पार्टिकल उत्सर्जित होता, माइनस वन ए जीरो। मीन्स यहां जो पार्टिकल आ रहा है उसकी जगह किसको बैठा दो, इसको बैठा दो, बैठा दीजिए माइनस वन ए जीरो प्लस, कुछ एनर्जी भी यहां से निकलेगी। ठीक है, अब देखिए एक कौन कंटेंट आपको और बताएंगे, पहले थोड़ा सा समझिएगा। प्लस यहां क्या होगा, माइनस वन ए जीरो, आगे एक बार स्पेस छोड़ देते हैं अपन, माइनस वन ए जीरो। अब देखिए यहां क्या लिखा हो, समझिएगा यहां क्या लिखा हो कि इधर पेरेंट ये, मींस पेरेंट में से एक कम हो गया, बराबर करना है तो मैं यहां क्या कर दूं, जेड प्लस से, समझ गए बात को। ठीक है, क्या ऊपर द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज हुआ, जी नहीं। मींस कोई डॉटर मुझे वही मिलेगा जिसकी द्रव्यमान संख्या भी वही रहेगी जो यहां पे लिखी गई है। वापस से मैं डिस्कस करता हूं इसका, क्या कहा है मैंने, आप ये मेजर कीजिएगा कि पेरेंट न्यूक्लियस आपके पास था, उसमें से क्या निकला, माइनस वन ई जीरो निकला, तो कोई भी रिएक्शन होती है वो कंजर्वड तो रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपन ने पीछे जो एल्फा पार्टिकल था उसमें अपन ने टू एच ई फोर निकाला था, ठीक है, जेड एक्स ए था अपने पास, अपन ने जेड माइनस टू वाई ए माइनस फोर निकाला, तो इनका योग कीजिएगा क्या मिल रहा है, इनका आप योग कीजिएगा क्या मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इक्वेशन तो हमेशा कंजर्वड रहनी चाहिए, यदि इक्वेशन कंजर्वड नहीं है तो वो पार्टिकल नहीं निकल सकता। ये रूल होता है, ये फैक्ट है कि जब आपके पास इक्वेशन कंजर्वड होगी तब भी कोई पार्टिकल निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप 2H3 लिख दो, इक्वेशन ही कंजर्वड नहीं बनेगी, मीन्स ऐसा इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इक्वेशन की स्टडी करो तो कंजर्वेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंजर्व हमेशा फॉलो होगा। बस मैंने वही काम किया, इसमें से मेरे को पता था माइनस वन ए जीरो पार्टिकल निकल रहा है, जेड है मेरे पास, तो मैं यहां क्या लिखूं कि इधर क्या मिल जाए, तो यहां मैंने जेड प्लस वन लिखा, तो देखिए जेड प्लस वन योग करो तो माइनस वन हो जाएगा, इससे ये चला गया, मेरे को क्या मिल गया इन दोनों की मदद से, वापस जेड, यहां कर लो ए प्लस जीरो, वापस मेरे को क्या मिल गया ए, तो दिस रिएक्शन इज नहीं, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द बीटा माइनस इमेज। ओके, अब ध्यान रहे जब भी बीटा माइनस होगा तो यहां इसके साथ में एक पार्टिकल और निकलेगा, ठीक है, जिसको अपन न्यू बोलते हैं। देखिएगा एक पार्टिकल और निकलेगा जिसको अपन बोलेंगे न्यू बार, नाम क्या है जिसका, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ओके डियर, कोई प्रॉब्लम, ये इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब कैसा भी पार्टिकल हो सकता है, अब जैसे कि मैं एक छोटा आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास इस प्रकार का कोई इक्वेशन है 6C14, मींस कार्बन आपको दिया गया है, ठीक है, इस कार्बन से आप बीटा माइनस निकालिए और यहां पर ये इक्वेशन आपको एग्जाम में दिया होता है और ये वाला आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है कि इसको आप फुलफिल कीजिएगा, ये लो क्या देखा, बीटा माइनस देखा, बीटा माइनस देखते ही इसका एड्रेस ढूंढो, एड्रेस क्या होगा कि जैसे ही बीटा माइनस होगा तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा। देखिए मैं वो स्टेटमेंट भी बताने वाला हूं जो लॉजिकल है, अभी थोड़ा आप समझिए, कंसेप्चुअल है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखने में ये आपको एक इक्वेशन लग रहा है लेकिन इसके बारे में अपन एक घंटे तक बैठे बैठे बात कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो हो रही है। चलिए अब देखिए यहां माइनस वन ए जीरो था तो एटॉमिक नंबर पहले की तुलना में कितना बड़ा, एक बड़ा, एटॉमिक नंबर पहले कितना था 6, कितना बड़ा एक, कितना हो गया 7। क्या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है, जी नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर कोई भी डॉटर न्यूक्लियस आएगा जिसकी द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, अब आप जानते हो किसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना 7 होगा। इसका मीनिंग क्या है, जब आपके पास कार्बन परमाणु दिया गया है और इस कार्बन परमाणु से बीटा माइनस इमिशन हो रहा है, मींस यहां पर क्या बन रहा है 7N14, ये लो फील कर दिया मैंने, ओके। मींस अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूं कौन से इंपॉर्टेंट, नंबर वन
बीटा माइनस उत्सर्जन में -180 पार्टिकल निकलता है। पॉइंट टू, जब बीटा माइनस उत्सर्जन होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस के परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पॉइंट दो हो गए। जब बीटा माइनस उत्सर्जन होता है तो इसके साथ एक पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोला जाता है। ओके डियर, सारा कुछ अपन ने बीटा माइनस के बारे में पढ़ लिया। किस पर मूव करते हैं? बीटा प्लस। अब ऐसा नहीं है मैं सिमिलर करके आपको बीटा प्लस बता दूंगा, नहीं, जो बातें इसके लिए अपन ने डिस्कशन की है वही बातें अपन प्लस के लिए भी डिस्कशन करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। थोड़ा सा मेरे को आप समय दीजिएगा क्योंकि स्टडी में समय देना बहुत जरूरी रहता है। आओ बिट्टा प्लस पे। क्या कहा था? बिट्टा प्लस ऐसा पार्टिकल जिसमें +180 नामक पार्टिकल निकलता है। दैट मींस कोई पेरेंट न्यूक्लियस लीजिएगा जेड एक्स ए। ओके डियर, क्या निकलेगा पार्टिकल? तो कौन सा जी? +180 प्लस। यहां पे भी कुछ जैसे वहां एंटी न्यूट्रिनो निकला था उसी प्रकार यहां जो पार्टिकल निकलेगा उसको न्यू बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा? न्यूट्रिनो। ओके जी, हो गया इतना काम। अब वापस वही बात कि यहां मेरे पास जेड है तो यहां इसकी कोई पुत्री पैदा होगी। ठीक है, ये इसके पेरेंट्स है, मींस दो। पेरेंट्स का मीनिंग क्या है? दो होंगे तभी तो पुत्री पैदा होगी ना। तो यहां पर इसकी कोई डॉटर पैदा होगी। ये डॉटर जब पैदा होगी तो ये ध्यान इस बात का रखेगी कि मैं मेरे पिताजी का केयर करूं। इसका मीनिंग क्या है? ये पता रखेगी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, जो इसकी जात है, उसका ख्याल रखेगी। मीन्स यहां पर इसका जो कास्ट दिया गया है वो जो कास्ट अपन क्या मान सकते हैं, जेड अपने लिए कास्ट है। तो यहां +1, यहां पर इस पुत्री को क्या करना होगा? कास्ट यही लेनी होगी। मींस जब उत्सर्जन भी हो गया, उत्सर्जन होने के बाद भी क्या मिलना चाहिए? जेड मिलना चाहिए। तो देखिए +1, इसका मीनिंग इस जेड में से क्या कर दो? एक कम। उसके बाद जो जोड़ो दोनों को, जेड -1 +1 क्या मिल गया? क्या इसकी कास्ट चेंज हुई? जी नहीं। यहां पे देखिएगा, कंपेयर भी कीजिएगा, यहां +1 हो रहा था, यहां -1 हो रहा है। ठीक है, अनवांटेड सोर्स में डिलीट करता हूं। इक्वेशन आपके समझ आया होगा कि जब हमारे पास बीटा प्लस का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक है उसमें एक की कमी हो जाती है और जो द्रव्यमान संख्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, अब आपको किसी एक एग्जांपल से बताएं कि एक हमें एग्जांपल दीजिएगा और हमें यह बताइएगा कि वहां पे बीटा प्लस पार्ट, जैसे कि मैं दे देता हूं 11Na22 आपको दिया गया है। इसमें यदि मैं आगे लिख दूं कि न्यूट्रिनो है +1E0, यहां पर कोई पार्टिकल है और इस स्पेस को आप फुलफिल कीजिएगा। अब सुनिए, मैं ये इक्वेशन क्यों ले रहा हूं, जब अपने जो पहले वाले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने को परेशान किया है, यदि वो ना होते तो अपने ये ना पढ़ते। ठीक है, तो उन्होंने जब ये वाली प्रोसेस करवाई थी तब देखा था वहां बीटा माइनस उत्सर्जन हो रहा है, और ये वाली प्रोसेस जब करवाई थी तो देखा था बीटा प्लस उत्सर्जन हो रहा है, तभी अपने इसका ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए, यहां परमाणु क्रमांक 11 है, एक कम होना है, मींस जेड तो क्या आएगा? 10। यहां पर कोई परमाणु आएगा, द्रव्यमान संख्या 22, ये लो 10Na20 10Y22, शायद नियोन का होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्टिकल निकल के आ गया। चलिए, अब आपसे यह कहा जाए, जिस प्रकार इसके लिए हमने स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बनाए थे उसी प्रकार हमें आप बताइए इसके लिए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कौन से। देखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब बीटा प्लस उत्सर्जन होता है तब +1E0 नामक पार्टिकल निकलता है। नंबर टू, जब बीटा प्लस उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है।
ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, जब बीटा प्लस उत्सर्जन होता है तो उसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। दिस इज द बीटा प्लस एंड बीटा माइनस इमिशन। बीटा की ही पार्ट है। बीटा का थर्ड पार्ट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होता है तब अपन उसकी स्टडी कैसे करेंगे। बहुत आसान है, वो भी अभी डिस्कशन अपन कर लेंगे। देखिएगा क्या करना है। थर्ड वाली टाइप होगी इलेक्ट्रॉन, ये देखना पड़ता है। क्लास आपको लाइव मिल रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही टेक्नोलॉजी में, तो अदर वे में आप ना लें। इलेक्ट्रॉन परिग्रहण मीन्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ध्यान रहे, एक एग्जांपल से अपन समझने वाले, एग्जांपल यही रहने वाला है। माता पिता और उसकी पुत्री, पुत्र नहीं आएगा जी। अपने पास जेड एक्स ए कोई न्यूक्लियस होगा। कैप्चर का मतलब होता है ग्रहण करना। कैप्चर का मीनिंग क्या होगा? ग्रहण करेगा। इतने टाइम क्या हो रहा था? उत्सर्जन हो रहा था। अब क्या होगा? ग्रहण करेगा। कौन? पेरेंट न्यूक्लियस। खास बात मीन्स यहां ये जो पेरेंट न्यूक्लियस अपने पास है, ये अपन एजम्पशन करते हैं कोई जाई पार्टिकल है, ठीक है। इस जाई पार्टिकल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसमें चेंज हो जाता है? डॉटर में। यहां अपने को कोई जेड डेस मिल जाता है, ए डेस प्लस यहां कोई अन्य पार्टिकल अपने को मिल जाता है। ये सिंपली एक इक्वेशन मैंने लिखी है, ओरिजिनल इक्वेशन वापस से लिखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने समझा है क्या है इलेक्ट्रॉन परिग्रहण मीन्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर। पेरेंट जो न्यूक्लियस अपने पास होगा वो कोई पार्टिकल को कैप्चर करेगा। जैसे ही पार्टिकल कैप्चर होगा तो चेंजमेंट होगा, तो डॉटर मिलेगी और डॉटर के साथ कुछ एक अपने को पार्टिकल भी मिलेंगे। अब बात ये आ गई कि यहां ये जो जाई हमने लिया है, इस जाई की जगह हम क्या लें? इलेक्ट्रॉन परिग्रहण जब होता है तो जाई की जगह क्या लोगे? तो ध्यान रखिएगा -1e0 पार्टिकल जो यहां पे निकल रहा था, यहां पर कैप्चर करवा दो। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? बीटा एमिशन की, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। पूरा लेक्चर देख लो, कभी बीटा उत्सर्जन में जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा मैंने वापस सुन लो, कि यहां पर जो पार्टिकल हम जाई ले रहे थे उसकी जगह क्या ले? कैप्चर करवा दो। किसको? -1e0 को। अपना काम हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैप्चर करेगा, तो कैप्चर करने के बाद कौन सी प्रोसेस होगी? आराम से देख लीजिएगा, इक्वेशन यही लिखे रहेंगे तीनों। मैं थोड़ा सा स्पेस यहां करता हूं। ओरिजिनल और स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिएगा क्या होगा। अपने पास पेरेंट न्यूक्लियस है, ये थर्ड वाले की बात हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। क्लास आप कंटिन्यूअसली अटेंड कर रहे हो तो पता है, ठीक है। जेड एक्स ए, ठीक है, प्लस उस जाई की जगह पार्टिकल कौन सा बैठाना है? -1e0। अच्छा जी, साथ में क्या निकलने वाला है? ध्यान रहे, इसमें भी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया कि यहां से कितनी वैल्यू आएगी? तो देखिए -1e0, तो इस जेड में से ये एक की कमी कर देगा, मीन्स जेड माइनस क्या कर दिया इसने? वन। और यहां कोई डॉटर, क्या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होगा? इसकी ए है और इसकी द्रव्यमान संख्या जीरो है, मीन्स मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मास नंबर ए रहेगा, बीच में प्लस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। ये स्टेप यहां थोड़ा अलग बोल रहे थे अपन। यहां क्या है, जेड के साथ माइनस वन आया तो दोनों को मिला दिया अपन, तो जेड माइनस वन डॉटर में बदलेगा और वाई ए, ठीक है। हाँ, कंजर्वेशन यहां पे भी है, यहां जेड माइनस वन है, यहां पे भी क्या है, जेड माइनस वन है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। समझ पाए पूरा कि व्हाट इज बीटा इमिशन, ठीक है। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, आपके साथ पूरी मेहनत हो रही है, पूरे जी जान से आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कहां पे भी कोई घास काटने वाली बात नहीं है, वैसे भी चौमासा जा चुका, ठीक है। अब बात है नेक्स्ट आगे कैसे बढ़े, तो ध्यान रहे, जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को लेटेस्ट फिजिक्स की मॉडर्न ब्रांच में अपन पढ़ते हैं, और फिजिक्स की सबसे मॉडर्न ब्रांच आपका पेपर फेस्ट क्वांटम फिजिक्स, जिसने आपको काफी परेशान
किया होगा, लेकिन ध्यान रहे क्लास अपनी जब क्वांटम की चलेगी तो देखना आप कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा, आराम से सारे कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझते चलेंगे। अब मेरे कहने का मीनिंग क्या है वो समझना कि बीटा इमिशन जो हम यहां पढ़ रहे हैं उसका क्वांटम में कैसे स्टडी की जाती है, उसके क्या पोस्टुलेट्स होते हैं। देखिए कोई भी सिद्धांत आता है, कोई भी थ्योरी आती है, तो उस थ्योरी के फिक्स्ड स्टेटमेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट अपने को फॉलो करने होते हैं और फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो अब अपन बात करेंगे जो बीटा इमिशन अपने पास होता है उस बीटा इमिशन का फर्मी सिद्धांत क्या है। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं याद करने पड़ेंगे जी, कोई चारा नहीं है। मीन्स मैं हेडिंग लगाता हूं फिर अपन थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें हो जाती है तो अपन भटक जाते हैं अपनी दिशा, और कभी भी इंसान को अपनी दिशा और दशा दोनों को नहीं भटकाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो छोटी सी अपने एक हेडिंग लगा लेते हैं कि बीटा क्षय का फर्मी सिद्धांत। फर्मी प्रिंसिपल ऑफ बीटा क्षय बोल सकते हो, उत्सर्जन बोल सकते हो, बीटा डिके। जब बीटा डिके आपके पास हो रहा है तो फर्मीजी आए थे, फर्मीजी ने कुछ एक स्टेटमेंट अपने को दिए थे। देखिएगा जब कोई बीटा पार्ट समझिएगा, दो स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आप थोड़ा सा उनको मेजर करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, जब कोई पार्टिकल अपने पास जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, जब भी अपन क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स का पूरा डिस्कशन स्टेट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, स्टेट्स दो प्रकार से लेते हो आप, एक होती है ब्रा और दूसरी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेट्स के बाद आपके पास एक वर्ड आता है जिसको आप बोलते हो वेव फंक्शन। बस कुछ यही कॉन्सेप्ट फर्मी जी ने लिया था, इसके बारे में एक थ्योरी दे दी थी। फर्मी ने ये माना कि मेरे पास जब बीटा उत्सर्जन हो रहा है तो उस बीटा उत्सर्जन के लिए मेरे पास कोई वेव फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, वेव फंक्शन को आप साइज से डिनोट करोगे। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा, अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद, तो वेव फंक्शन दो ले लिए, एक को बोल दिया साई आई, दूसरे को बोल दिया साई जे। साई आई क्या होगा, इनिशियल वेव फंक्शन। ओके, साई जे क्या होगा, फाइनल वेव फंक्शन। ओके डियर, मैं वो रफ करता हूं, यहां सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बोर्ड पे रहना चाहिए, इसके अलावा नहीं रहना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बीच में जुड़ते हैं उनकी दिक्कत हो जाती है कि ये कौन सी रामायण चल रही है, टॉपिक कुछ और लिखा कुछ और। ठीक है, स्क्रीन पे सिर्फ अब बीटा क्षय का फर्मी सिद्धांत ही रहेगा। तो क्या कहा अपन ने, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अपन भी जानते हैं न्यूक्लियर में अपन पढ़ रहे थे एक्स वाई प्लस समथिंग में चेंज हो रहा था, मीन्स इनिशियल में भी वैल्यू होनी है और फाइनल में भी वैल्यू होनी है। अपन ने इमेजिन किया जो इनिशियल वाली वैल्यू थी उसकी वेव फंक्शन साई आई है, और जो फाइनल वाला मान था उसके लिए कोई वेव फंक्शन साई जे है। तब यहां पर एक फैक्टर डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू फर्मी पारगमन दर। ठीक है, पारगमन दर का एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, और देखिए किससे डिनोट करेंगे पारगमन दर को, कैपिटल डब्ल्यू से अपन डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसमिटेड रेट, आप बोल सकते हो अदर लैंग्वेज ट्रांसमिटेड रेट। अच्छा जी, अब सुनिए क्या था कि ट्रांसमिटेड रेट जो W होता है उसका फॉर्मूला इन्होंने बताया था कि 2 पाई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस मल्टीपल बाई एम आई एफ का स्क्वायर। ठीक है, साथ में एक फैक्टर लिया था रो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्मी थ्योरी अबाउट टू बीटा डिके।
अब बात यह है, कोई भी फॉर्मूला आ गया तो यहां पर जो कैरेक्टर इसके लिखे गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहां एम आई एफ की वैल्यू क्या है। सुनिएगा, देखिए यहां फर्स्ट पॉइंट क्या आया, एम आई एफ। एम आई एफ को बोलोगे आप मैट्रिक्स एलिमेंट, अवयव है अवयव, ओके। फिर क्या आया रो ई, रो ई को बोलोगे अंतिम अवस्था का घनत्व है। अंतिम मीन्स आई बोल सकते हो, जे को आप फाइनल एफ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अंतिम अवस्था का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्मी थ्योरी। चलो आगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी थ्योरी आती है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, याद आपको करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आप चलिए। अच्छा, इसमें एक अभी रह गया, जो आपके लिए यहां मैट्रिक्स एलिमेंट एम आई एफ डिफाइन किया गया है, इसकी वैल्यू भी निकाली जाती है। इसको हैमिल्टोनियन का फंक्शन लिया जाता है। सुनिए, हैमिल्टोनियन, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं। कैसे होगा, इंटीग्रेशन एम को हैमिल्टोनियन एच आई एफ का फंक्शन लेना होता है। साथ में आपके पास दो स्टेट प्रेजेंट है, एक फाइनल है एक इनिशियल है, तो ऐसे लिया जाता है फाइनल स्टेट का कंजुगेट इनिशियल स्टेट मल्टीपल बाई वॉल्यूम डी वी। डी वी ले सकते हो या फिर डी टो ले सकते हो, ठीक है। ये एक पॉइंट वहां रह गया था। एम आई एफ पता क्या रखोगे कि ये जो फॉर्मूला है फाइनल स्टेट जो अपने पास है उसका कंजुगेट हैमिल्टोनियन फैक्टर साई आई इंटू डी टो, क्या होगा यहां पर ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा हुआ उसकी वैल्यू। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में ध्यान रखिएगा, कुलाम करेक्शन को बताता है। सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड होगा, कुलाम करेक्शन मींस मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिएगा, सेकंड पॉइंट में दो फैक्ट आएंगे। मोमेंटम, अपन कह रहे थे ना कि जब बीटा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहा है तो वहां कुछ वेलोसिटी गेन हो जाती है, तो वेलोसिटी जब आपके पास होती है मास तो प्रेजेंट ही रहता है, तो उन दोनों की हेल्प से आपको मोमेंटम मिल जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फैक्टर आएगा कोलाम करेक्शन, ठीक है। क्या था इसका भी फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए मोमेंटम पी इंटू पीई, पीई है इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर मोमेंटम, पी पीई की वैल्यू होगी, याद रखना पड़ेगा कॉन्स्टेंट ऑफ एफ जेड कोमा ईई, साथ में होगा ई नोट माइनस ईई स्क्वायर डॉट PE स्क्वायर इंटू डी पीई। दिस इज द मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्मी सिद्धांत। फर्मी परेशान नहीं करता, फर्मी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो ये दिस इज सेकेंड फॉर्मूला टू फर्मी प्रिंसिपल। अच्छा जी, यहां पर आप बता सकते हो ना, देखिए क्या लिखा हुआ है एफ जेड कोमा ई, इसी को क्या बोला जाता है, कुलाम संशोधन। यहां पर जो लिखा है ना, कुलाम करेक्शन, ठीक है। देखिए ई नोट ऐसे बोला जाएगा, ग्राउंड के लिए कोई एनर्जी है, सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ई नोट ग्राउंड मींस कोई रेस्ट कंडीशन जब होगी तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू है, मींस आप क्या लिख सकते हो, ई नोट एनर्जी होगी कोई रेस्ट के लिए और ईई होगी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, ठीक है डियर। ये फर्मी थ्योरी है, जो बोर्ड पर दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, याद करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा गया है, देखिए पीई मैंने बताया मोमेंटम है, पीपीई किसको डिनोट कर रहा है, प्रायिकता को,
प्रोबेबिलिटी को, मीन्स यहाँ जो मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसी को ये वाला फॉर्मूला डिफाइन कर रहा होता है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, कूलम्ब करेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में अपन ने बीटा डीके के बारे में डिस्कशन किया, आपके ये टॉपिक भी डाला हुआ था कि फर्मी सिद्धांत क्या है, तो दो इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट थे, दोनों फॉर्मूलाज थे जिसको अपन ने डिस्कशन किया है। ठीक है, क्लास को आप अच्छे से अटेंड किया करो, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ जब क्लास आप अटेंड करते हो तो एनर्जी ही कुछ अलग रहती है, कुछ सीखने का प्रयास रहता है। अब मैं आपको इस प्रकार का कोई ये तो जैसे आ गया फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको रटाते हैं, फॉर्मूलाज आएंगे वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्लास को अच्छे से अटेंड करो और कोशिश करो साथ में नोट्स बनाने की। ठीक है, प्रोवाइड करवा दिए, प्लस पॉइंट आपके पास है, लेकिन खुद से बनाने का भी प्रयास किया करो। अब आप बच्चे नहीं हो, खुद से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है लास्ट तक मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, और यदि लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही है जो इससे भी शानदार और बेहतर लेक्चर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।